हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनिंग फॉक्स। आज हम परमानेंटली डिलीट करेंगे आईट्यून्स बैकअप फाइल फोल्डर अपने पीसी या लैपटॉप से। सबसे पहले हमें जाना है दिस पीसी में, वो ओपन होने के बाद हमें जाना है व्यूज़ में। व्यूज़ में जाके हमें क्लिक करना है हिडन आइटम्स। हिडन आइटम्स में क्लिक करने के बाद जाना है हमें अपनी लोकल डिस्क सी ड्राइव में। अब हमें यहाँ पे सर्च करना है यूज़र्स। यूज़र्स में जाके अब जैसे मेरा लैपटॉप का नाम है एचपी, तो मैं इसमें एचपी में जाऊँगा। एचपी में जाके अब हमें जाना है ऐप डाटा। ऐप डाटा में जाके हमें जाना है रोमिंग में। रोमिंग में जाके अब हमें जाना है एप्पल कंप्यूटर। एप्पल कंप्यूटर क्लिक करेंगे तो उसमें आ जाएगा आईट्यून्स लॉग्स मोबाइल सिंक प्रेफरेंसेस सिंक नोटिफायर सिंक सर्विसेज। तो अब हमें क्लिक करना है मोबाइल सिंक में। मोबाइल सिंक में क्लिक करके हमें जाना है बैकअप में। बैकअप में जाएंगे तो यहाँ पे ये ऐसे करके एक फोल्डर दिखाई देगा, तो वही है हमारा बैकअप आईफोन का जो हम डिलीट करना चाहते हैं। तो इसमें बस हमें राइट क्लिक करके इसे डिलीट करना है। इसी तरह से हमें अपना फोल्डर आईफोन का जो बैकअप है वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया। काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँ।